ये भैया भी ना पता नहीं कहाँ चले गए, कामकाज में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ज़रूर उस जोरा बाई के वहाँ गए होंगे। ए सुनो, जाओ उस मंदिर को तोड़ दो, और अगर उसके अंदर मूर्ति है उसे बाहर निकाल दो। वो मूर्ति वहाँ से जाएगी तभी काम आगे बढ़ेगा। जाओ। जी साहब। जल्दी हो, निकालो मूर्ति को। संभाल के। उठा शाम, उठा। नहीं निकल रही है। अच्छा एक मिनट, जल्दी आओ। हाँ चले आओ, आ जाओ आ जाओ। साहब मूर्ति का क्या करें? इसे स्टोर रूम में ले जाके रख दो। ठीक है साहब। ये गर्मी। एक मिनट, इसे पीछे जंगल में ले जाके गाड़ दो ताकि ये वापस यहाँ नहीं आएगी। ठीक है जाओ। बहुत गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है ये? मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ। और जब हमने मंदिर में मूर्ति की स्थापना की उसके बाद सब कुछ शांत हुआ। अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हमें से कोई नहीं बचता। तो मतलब जब मूर्ति की स्थापना हुई तो भूत भाग गए? थैंक गॉड तुम लोग बच गए, वरना तुम भी भूत बन जाते। Oh my God, भूत! You know what, guys? इससे ज़्यादा funny story मैंने आज तक नहीं सुनी। संजना तुम मजाक कर रही हो ना? What? तुम सच में serious हो? You know what? तुम्हारी इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। In fact, please किसी को बताना भी मत, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद डरते डरते तो नहीं लेकिन हंसते हंसते सब जरूर मर जाएंगे। कमाल है यार, आजकल के डेट में तुम इन चीजों में बिलीव करते हो, भूत प्रेत बुरी आत्माएं। मैं तो डर गई यू नो। नहीं गाइस, ये बात बिल्कुल सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। अमर भी थे, मंदिरा भी थी। देखो तुमने ये कहानी हम लोगों को तो सुना दी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मत सुना देना, अदरवाइज तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। Sure. क्या आदित्य की बॉम्बे में भी गर्लफ्रेंड है? सिर्फ मुंबई में नहीं, आदित्य की गर्लफ्रेंड तो हर जगह है, जहाँ भी जाता है वहाँ एक तो होती ही है। लड़की पटाने में माहिर है ये। क्यों आदित्य, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? शट अप राजीव, ये मजाक कर रहा है। तुम बिल्कुल सीरियसली मत लो मंदिरा। हाँ एक्सक्यूज मी मंदिरा सुन। ओहो आदित्य, लगता है तुमने अपना कमाल यहाँ पे भी दिखा दिया। ये मंदिरा अच्छी चॉइस है, अब जाओ सिचुएशन को हैंडल करो, लगता है गुस्सा हो गई है। शट अप राजीव, देख कर बोलना चाहिए था ना,
फिर से पढ़ाना पड़ेगा उसे। आ जाओ आ जाओ। आजा। हाँ हाँ ठीक है, रख दे। चलो लाओ, इधर लाओ, रखो इसमें, संभाल के संभाल के। चलो कल तक मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगी, बस उसके बाद यहां जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब सब कुछ नहीं, मतलब आप मिले अच्छा लगा, लेकिन जिस सिचुएशन में मिले वो। अपना ख्याल रखना। आप भी। गाइस, गाड़ी ठीक हो गई, चलो लेट्स मूव। साहब मूर्ति को छुपा दिया हूँ। गुड, भैया के बस का काम नहीं था, ये सब काम चोर पाल रखे थे उन्होंने। अब देखना इस कंस्ट्रक्शन को मैं कैसे पूरा करवाता हूँ। तोड़ दो इस मंदिर को, इसकी दीवारें गिरा गिरा। लेकिन वो नहीं संजना, हो सकता है ये कुछ और बात हो। चलो गाइस मंदिरा, चलो यहां से हमें निकलना चाहिए। चलो गाइस मंदिरा, चलो कम ऑन, चलो। तुम अंदर जाओ, हम लोग बाहर से तोड़ते हैं। ये ले।
एसी में इतना पसीना कहाँ से हो रहा है? ये इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी भी एकदम फुल है। कहाँ मर गए सारे मजदूर? ये एसी वर्क क्यों नहीं कर रहा है? Really? काफी गर्मी है नो? अमर तुम्हें कहाँ उतरना था? बस आगे जो गांव आएगा वहीं पे उतार देना। ओके। संजना? हाँ? वो पानी देंगे जरा? ये पानी उबल सा रहा है। देखो लगता है भाई सब कुछ फिर से हो रहा है। शायद वो भूत फिर से आजाद हो गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सिंघानिया के भाई ने अपने बड़े भाई वाली गलती दोहराई हो। Not again, yeah. For Christ's sake. Come on, guys. अपने stupid से जोक के साथ। रिचा, please try to understand. हमारे साथ ये सब कुछ हो चुका है पहले। For God's sake, संजना. अब फिर से मत शुरू हो जाना, ओके? मगर रिचा, तुम पैरानॉइड हो रहे हो संजना। नहीं राजीव, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, प्लीज। थैंक गॉड, बाल बाल बच गया मैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये बॉम्बे के लिए रास्ता कहाँ से जाता है? भूत? ओ, ओ, ओ,
गाइस, कार ओवरहीट हो गई है, शायद इसी वजह से एसी भी काम नहीं कर रहा है। गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर हीट वेव आई हुई है, लेकिन साल के इस टाइम पर इतनी गर्मी, स्ट्रेंज। अरे मौसम को कोई भरोसा है? अंधेरा भी बहुत हो गया है। एक काम करते हैं, रात इसी मोटल में रुक जाते हैं, सुबह तक इंजन भी ठंडा हो जाएगा। मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पर, मुझे जाना है यहाँ से। मगर कैसे, यहाँ पर और कोई कार भी नहीं है। फिर अटक गए ना यहाँ पे, हम जा क्यों नहीं पा रहे यहाँ से यार। कम ऑन गाइस, यहीं रुक जाते, बियर शेयर पीते हैं। और संजना, तुम अपनी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाना, रात में डर भी लगेगा। वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। हाँ गाइस, चलो सामान निकालते हैं। हो गया सबका। संजना लाइक, अरे इट्स ओके, नो प्लीज। मंदिरा, शीला बहुत जल्दी सो गई। हाँ, इतनी जल्दी तो सोती नहीं थी। क्या खाना बनाया शीला? शीला शीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ शीला, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हो गया इसे? लगता भूत भी से जाग गया। क्या यार, ये मोटेल वाला ठंडी बियर भी नहीं रह सकते। अच्छा चलो, मैं तुमको एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार हाँ, तुम्हें कहा था चलो अंदर चलो।
राजीव कम ऑन चलो अंदर। ये क्या स्टेबिलिटी यार, एक छोटे से अर्थक्वेक और ये हीट वेव से तुम इतना घबरा गए। आई थिंक राजीव हमें एक बार इनकी बात मान लेनी चाहिए। कम ऑन लेट्स गो विद देम। ऐसा करते हैं हम लोग पास वाले मंदिर में चलना चाहिए, हम लोग वहां सेफ रहेंगे। मंदिर इस टाइम पे? तुम लोग पागल हो गए हो। वो देखो राजीव उठो वहां से और यहां पे आओ। पागल है राजीव कम ऑन। राजीव गेट अप। राजीव व्हाट द हेल। राजीव कम ऑन।